नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार कई पहलुओं पर काम कर रही है। इस सिलसिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति लॉन्च की है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि स्क्रैपेज नीति से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए कहा कि स्क्रैपेज नीति से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उन्होंने कहा कि विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। आज नाग पंचमी का त्यौहार है। नाग पंचमी पर नागों की पूजा की जाती है। सावन के महीने में पड़ने वाला यह त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत ही प्रिय होता है। इसके साथ सर्प महादेव के गले की शोभा है और यह देवों के देव महादेव को बहुत प्रिय है। नाग पंचमी पर शिव जी के साथ सांपों का भी पूजा होती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा करता है, उसकी कुंडली में अगर काल सर्प या पितृ दोष हो तो वह खत्म हो जाते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का हाल ही में ट्विटर अकाउंट लॉक हुआ था और कुछ समय के लिए ब्लू टिक भी हट गया था, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार संसद में बोलने नहीं देती और सोशल मीडिया पर कुछ बोलने पर अकाउंट ब्लॉक करा देती है। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक ग्राफिक्स भी शेयर किया है, जिसमें ट्विटर के लोगों को रस्सियों से बांधा गया है और कैप्शन में लिखा है कि डिजिटल दादागिरी नहीं चलेगी। जिस वन टांगिया गांव तिकोनिया नंबर 3 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहचान दिलाई थी, अब उस गांव को राष्ट्रीय फलक पर पहचान मिलने जा रही है। इस गांव के राम गणेश स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय समारोह में बतौर विशेष अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लाल किले पर अपने वन टांगिया समुदाय की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश से कुल 10 लोगों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। वन टांगिया राम गणेश को साथ लेकर तहसीलदार चौरी चौरा शुक्रवार यानी आज रवाना होंगे। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट काफी तेजी से अपने रूप बदल रहा है। दुनिया भर में अब तक डेल्टा वेरिएंट से ही जुड़े 13 नए स्वरूप सामने आ चुके हैं। इनमें से 5 भारत में भी मिले हैं। करीब 100 से अधिक लोगों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। विदेशों की तर्ज पर दिल्ली वासियों के पास भी अपना हेल्थ कार्ड होगा। दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली को अगले साल की शुरुआत में लागू कर देगी। इसके लिए वेंडर चयन और वित्तीय बिड की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसे लागू करने के लिए कैबिनेट में रखने की तैयारी चल रही है। देश में अपनी तरह का या अलग और इकलौता सिस्टम होगा, जिसके तहत दिल्ली के हर नागरिक को एक हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने बीटेक के छात्रों को मुख्य पाठ्यक्रम के अलावा इंजीनियरिंग की अन्य शाखाओं में लेटरल एंट्री के जरिए प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। यानी अब बीटेक की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी बीच में ही इंजीनियरिंग की ब्रांच बदल सकते हैं। AICTE ने बताया है कि बहुत सारे विद्यार्थी लेटरल एंट्री की मांग कर रहे थे और परिषद को इस संबंध में कई रिक्वेस्ट भी मिली थी। टोक्यो ओलंपिक समाप्त हो चुका है और अब सभी भारतीय खिलाड़ी स्वदेश लौट चुके हैं। वतन वापसी के बाद लगातार पदक विजेताओं का सम्मान और स्वागत किया जा रहा है और उन पर धनवर्षा भी हो रही है, लेकिन इन सबके बीच भारत की शीर्ष महिला पहलवान विनेश फोगाट भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। टोक्यो से लौटने के बाद उन्हें भारतीय कुश्ती संघ WFI ने अनुशासनहीनता की वजह से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और 16 अगस्त तक अपना पक्ष रखने का समय दिया है। मेरठ में नाली के विवाद की सूचना पर शास्त्री नगर स्थित कुटी मोहल्ले में पहुंची नौचंदी पुलिस को आपस में झगड़ रहे दोनों पक्षों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने CRPF कर्मी, उसकी पत्नी और पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस घटना को छिपाती रही। करीब 24 घंटे बाद SSP को इसकी जानकारी दी गई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। बाजार शुरू होते ही 55,000 के पार पहुंच गया है। सुबह 9:29 पर BSE का सूचकांक 56,077.59 अंकों पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी उछाल देखने को मिला। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।